हेलो एवरीवन, न्यूटी अमिशस पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और चटपटा सा नाश्ता, जिसे आप सुबह के ब्रेकफास्ट में बना करके सभी को खिला सकते हैं। ये हम बहुत ही कम तेल में और कम मसालों के साथ बनाएंगे, तो सुबह की शुरुआत इससे बेहतर हो ही नहीं सकती। और बनाने में भी ये काफ़ी कम टाइम लेते हैं। इसके लिए हमें घोल को ज़्यादा देर तक के लिए भी नहीं रखना है, तुरंत ही हम इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और कम समय में, कम मेहनत में हमारा बहुत ही हेल्दी और चटपटा नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए जल्दी से हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक मिक्सिंग बाउल में हम डालेंगे 3/4 कप बेसन, ये देखिए। और जितना हमने बेसन लिया है, उतनी ही सेम क्वांटिटी में इसमें हम डालेंगे 3/4 कप सूजी, यानी कि रवा। मैंने यहाँ पर मोटी वाली कच्ची सूजी यूज़ की है। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप बारीक कटी हुई हरी शिमला मिर्च। इसमें आप आपकी पसंदीदा वेजिटेबल्स मिला सकते हैं, जो कि कम टाइम में जल्दी से पक जाती है। और शिमला मिर्च के बाद ये एक बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। टमाटर के मैंने बीज हटा करके फिर इसमें डाला है। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, जिसकी जगह पर लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, और मिर्च कम या ज़्यादा आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और ये मैंने लिया है 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा भुना हुआ जीरा का पाउडर, जिससे कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसी के साथ इसमें हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 4 टेबल स्पून भर के दही, जो कि हमें बहुत ज़्यादा खट्टी या पुरानी दही का इस्तेमाल नहीं करना है। तो दही हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप पानी, और इसका हमें बैटर बनाकर तैयार करना है। तो एक बार थोड़ा कम पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे, और फिर आगे जितनी ज़रूरत होगी उतना पानी इसमें मिलाते हुए इसका बैटर हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने बैटर को बनाकर तैयार कर लिया है, और हमारे बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरह की होनी चाहिए। इसे हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा या एकदम पतला नहीं करना है। अब मैंने ये 2 उबले हुए आलू लिए हैं, जिन्हें मैंने इस तरह से टुकड़ों में कट करके लिया है। तो हमें बॉइल्ड आलू का ही इस्तेमाल करना है। इसमें कच्चे आलू पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं, और हमारा ये जो नाश्ता है ये बहुत ही जल्दी पक जाता है। तो आलू कच्चे ना रहे, इसके लिए इसमें हम उबले हुए आलू मिलाएंगे, और फिर इसमें मिला लेंगे नमक स्वाद के अनुसार। तो ये 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने इसमें नमक मिलाया है। अब बस हल्के हाथों से इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ आपको बताऊँ तो मैंने इस बैटर को बनाने के लिए 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया है। अब इसमें हम मिलाएंगे ये बेकिंग पाउडर, ये देखिए इस तरह का होता है ये। तो इसमें से 1/2 टीस्पून भर के इसमें हम ये बेकिंग पाउडर मिलाएंगे। बेकिंग पाउडर से हमारा ये जो नाश्ता है ये काफ़ी फुला फुला, सॉफ्ट और स्पंजी बनेगा, जो कि खाने में काफ़ी अच्छा लगेगा। और इसे मिलाने के बाद हमें बैटर को ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है, हल्के हाथों से जल्दी से इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो ये लगभग मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, और ये हमारा जो बैटर है अब हमारा नाश्ता बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब इसे हम जल्दी से अपना नाश्ता खाने के लिए तैयार करते हैं। अब आगे मैंने तवे को गर्म होने के लिए रखा है मीडियम स्लो आंच पर। इस पर हम 1 या 2 चम्मच तेल को फैला करके इसे गर्म करेंगे। जैसे ही तवा और ये तेल अच्छे से गर्म हो जाएंगे, तब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून राई के दाने, और साथ ही साथ 1/2 टीस्पून ये सफ़ेद वाले तिल इसमें हम डालेंगे। इससे ये एक तरह का तड़का तैयार हो जाएगा, जिससे कि हमारे नाश्ते में भी स्वाद का तड़का लगेगा और वो खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अब राई को चटकने देंगे, और तिल का कलर चेंज होने तक इसे हम इसी तरह से रहने देंगे। जब राई के दाने फूटने लगे, तब हम इस तड़के को अच्छे से स्पैचुला से इस पूरे तवे पर फैला देंगे इस तरह से। और इस राई और सफ़ेद तिल के तड़के को अच्छे से तवे पर फैलाने के बाद, जो बैटर हमने बनाया है सूजी, आलू और बेसन का, वो हम इस तरह से चम्मच में भर करके इसे डालेंगे। और इसे हमें फैलाने की कोई टेंशन नहीं लेनी है, बस इस तरह से इसे डाल देंगे और हल्का सा इसे शेप दे देंगे, और ये अपने आप ही फैल जाएगा। तो इसी तरह से इस तवे पर हम इस बैटर को फैलाएंगे। आप चाहे तो इन्हें थोड़ा सा छोटी साइज में या बड़ी साइज में भी बना सकते हैं, लेकिन फिर इन्हें पलटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मीडियम साइज में ही हम इन्हें बनाकर तैयार कर लेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये पकने में काफ़ी कम टाइम लेते हैं,
तो गैस फ्लेम को हम स्लो से थोड़ी सी ज़्यादा आंच पर रखेंगे और बस 2 या 3 मिनट तक इसे हम इसी तरह से रहने देंगे। तो लगभग 3 मिनट के बाद इसके किनारे इस तरह से पकने लगे हैं और दिख रहा है कि ये एक साइड से पक चुके हैं। तो इन्हें हम स्पैचुला से इस तरह से उठा करके हल्के हाथों से पलट लेंगे और आप देख ही सकते हो कि इन पर बहुत ही अच्छे से कलर आया है और ये काफ़ी अच्छे से कुक हुए हैं। तो दूसरी साइड से भी इन्हें हम 1 या 2 मिनट के लिए या फिर जब तक दूसरी साइड भी अच्छा सा कलर ना आ जाए तब तक हम इन्हें 1 या 2 मिनट के लिए और सेक लेंगे। तो ये लीजिए, अब ये जो हमारा सूजी आलू और बेसन का बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट और टेस्टी सा जो नाश्ता है ये अच्छे से दोनों साइड से पक चुका है, दोनों साइड काफ़ी अच्छा इसके कलर आ चुका है। तो बस हम इन्हें इतना ही कुक करेंगे। आप चाहे तो इन्हें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा क्रिस्पी होने तक सेक सकते हैं। बस इसके बाद इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे और गर्मा गर्म खाने के लिए इसे सर्व कर सकते हैं। और आगे और इन्हें बनाने के लिए हम फिर से इस तवे पर थोड़ा सा तेल फैलाकर इसे गर्म करेंगे और थोड़ी थोड़ी सी राई और जीरा डाल करके इसे हम तड़कने देंगे। तो आप देख रहे हो कि काफ़ी कम तेल में ही हमारा बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बन करके तैयार हो सकता है और ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसे हम चाहे तो खट्टे मीठे रायते के साथ खा सकते हैं या फिर सिंपल दही के साथ खा सकते हैं, अपनी पसंदीदा किसी चटनी के साथ खा सकते हैं, और अगर कुछ नहीं तो टोमेटो केचप के साथ भी खाने में ये बहुत अच्छे लगेंगे। और ये आप बच्चों के टिफिन में भी बना करके दे सकते हैं क्योंकि इन्हें बनाने में ना तो ज़्यादा टाइम लगता है और ना ही इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है, बहुत ही आसानी से झटपट से ये बन जाते हैं। इस तरह से ये हमारा बहुत ही टेस्टी और चटपटा ब्रेकफास्ट बनकर तैयार है खाने के लिए। और ये सूजी बेसन आलू के तड़का फ्राई वाले पैनकेक खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप भी इसे घर पर बनाएं, सबको बहुत पसंद आएंगे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल EDMishes को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्दी मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस टेस्टी ब्रेकफास्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग EDMishes।